ग्रेनेड शायद ओमेगा को समाप्त कर सकता था, बट बनेगा एक और ग्रेनेड आने वाला बट हेक्टर। इसी बीच डाउन करेंगे रेडन को, अब बारी आती है एक आखिरी खिलाड़ी की, देखना ये डब्ल्यूएसबी क्या वो कमाल कर पाएंगे। बट हेक्टर जाते जाते वो सारे फिनिशेस चाहते हैं, रेडन उनको भी डाउन किया जा सकता था। चलते चलते गोली चलाने की कोशिश, नाकामयाबी हासिल, बट रेडन को भी समाप्त किया जाएगा। वो फिनिश रेडन का चुरा गए वो खिलाड़ी, बट नियो देखना ये कि क्या वो अपना खाता खोल पाएंगे। डीबीएस उनके पास था, खिलाड़ी को डाउन किया गया, बट वो हेक्टर थे जिन्होंने इस खिलाड़ी को डाउन किया। बनी उनको भी डाउन किया जाएगा, नियो खुद भी डाउन हो गए, और अब देखना ये कि हेक्टर क्या वो कमाल दिखा पाएंगे। अभी भी ओमेगा वहां पे मौजूद है, एक बढ़िया ग्रेनेड, ऑक्शन व्हाट, कल के दिन पे भी इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए क्लचेस निकाले थे, और आज एक बार फिर से आपको वो क्लचेस निकालते हुए दिखाई देंगे। कल का दिन टीम सोल 9 फिनिशेस के साथ 3 मुकाबलों में, और आज पहला मुकाबला टोटल 16 फिनिशेस उस टीम के पास। वो अपना कंपाउंड डिफेंड करना चाहते हैं। इधर अगर ब्लाइंड की बात की जाए, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा जरूर गया है, बट सामने वाडू का अगर एक नेड आ गया सही जगह पे, मुश्किलें बढ़ेंगी जरूर। आप जोकर को देखें, वो थोड़ा पीछे आ गए, उनको भी पता था कि वहां पे ग्रेनेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा, इसलिए जो खिलाड़ी अपने कदमों पे है उनके पास गए, थोड़ा अपने आप को पीछे ढकेला। बट एक गाड़ी आई और गाड़ी रॉनी को लेकर चली गई। अब बारी आती है मान्या और बाकी 3 खिलाड़ियों की। एक और खिलाड़ी रॉनी, उनको समाप्त किया गया थोड़ी देर पहले, उनको नॉक किया गया था। वो दैट ड्रॉप शॉट जोकर को उन्होंने डाउन किया, बट दूसरे खिलाड़ी को वो डाउन नहीं कर पाए। और अब बारी आती है वाडू की, देखना ये अकेले खिलाड़ी बचे रहेंगे जी नहीं, एक और खिलाड़ी उनका साथ। बट मान्या एचपी बहुत ज्यादा कम है, उनको वहां पे शायद एक बार के लिए देख लिया गया होगा, बट मान्या अगर व्हील वो कर पाए तो बहुत ज्यादा डैमेज निकाल सकते थे। बट वाडू कल के दिन पे भी अच्छा खेला, आज के दिन पे भी अपनी टीम की कमान संभाली, चारों खिलाड़ी अभी भी इस मैच में जीवित। टीम वेलोसिटी थोड़े बहुत बदलाव किए गए, बट सामने से डीएमडब्ल्यू, उनको बिल्कुल भी अंदाजा था नहीं कि वहां पे खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे। जाजी बढ़िया स्प्रे जाता हुआ, आउटकास्ट उनको भी डाउन किया, मोनार्च उनको भी डाउन किया गया, बट जाजी वो भी खुद डाउन कर दिए जाएंगे, और डीएमडब्ल्यू अब मात्र केवल 2 खिलाड़ियों के साथ। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। टीम वेलोसिटी की बात करें तो इमॉर्टल पंक, 2 खिलाड़ी बचते और पंक अपने आप को रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 2v2 की ये फाइट, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा पीछे हमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में देखना ये कि पंक क्या वो अकेले ही आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि सामने रिवाइवल देने की एक कोशिश, कोई भी स्मोक वहां पे नहीं किया गया, ओपन में वो रिवाइव दे रहे थे और वो जो सजा है वो भी भुगतनी पड़ी। अब मात्र केवल एक खिलाड़ी बचता है डीएमडब्ल्यू का, और एक बार फिर से हम चर्चाएं करेंगे कैसे डीएमडब्ल्यू का मात्र एरांगल ही था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मेरा मार का 2 मुकाबला, मात्र 2 अंक उन्होंने अर्जित करे, 1-0, 1-2, और अब आता है सैनहॉक की बारी। सैनहॉक के मुकाबले में भी शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं, 3 खिलाड़ी अपने खो दिए, और अब बारी आती है डिवोटी की, आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। टीम वेलोसिटी 3 फिनिशेस निकाले तो सही, बट एम वॉर्ड शुरुआती दौर में उनको खो दिया गया। बट मैं अभी भी समझना चाहता हूं कि टीम वेलोसिटी क्या उन्हें अंदाजा है कि अंदर एक खिलाड़ी मौजूद है। चलिए वहां पे थोड़े बहुत स्मोक्स रहेंगे, उस चीज़ से उनको अंदाजा हो चुका होगा। हालांकि 2 फ्रैग्स हैं डीएमडब्ल्यू की स्क्वाड के पास, अब मात्र 1 खिलाड़ी बचते हैं। देखना यह है कि कितनी देर तक वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि टीम वेलोसिटी वो धाबा बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उन्होंने क्या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। चलिए वो मॉलोटोव उन्होंने फेंका जरूर, लेकिन एक नॉक निकाला है जैसे ही वहां पे डाउन किए जाएंगे। डिवोटी की बात करें, वो क्लच जरूर से यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं। विंडो के आसपास उन्होंने एक मॉलोटोव किया, स्मोक का भी काफी बेहतर इस्तेमाल उन्होंने किया, और हाथ में उनके डीबीएस, ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जो रिवाइवल है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ रहे एम्बोट वहां पे मौजूद देखने को मिलने वाले, लेकिन डिवोटी डैमेज उनके ऊपर आया है। एक और बढ़िया जो डीबीएस का कनेक्शन है वो आएगा, और अब यहाँ पे डिवोटी का सर्वाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। पीक करके एक शॉट लेने की कोशिश, एक और खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया, लेकिन वहां पर इमॉर्टल आएंगे। वो इमॉर्टल साबित भी होते हुए एक बढ़िया कोशिश डिवोटी की, लेकिन अंत में जीत वेलोसिटी गेमिंग की। नंबर्स गेम का एडवांटेज यहाँ पे नाइट आउल के पास है। डब्ल्यूएसबी गेमिंग की अगर बात की जाए, उनको भी जोन के अंदर जाना है, वो जोन के अंदर है नहीं, 7 मीटर का सफर उनको तय करना पड़ेगा। ये रिजिस पे खेलना ना कभी भी आंकी आसान नहीं होता, बट नेड्स इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्क्रीम ये नेड अगर कनेक्शन ढूंढेगा तो वैल्यू बनेगी, बट अभी के लिए तो वो कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएगा।
इंतजार है वो पहले फ्राक का WSB को, क्योंकि ताकि नंबर्स गेम को इवन स्टीवंस कर पाए। बट अभी भी अगर आप ड्रीम की पोजीशन देखेंगे वो बहुत बढ़िया है, नीचे से क्लियो ऊपर से ड्रीम और बीच में से ये दो प्लेयर, एक विंग फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। नाइट आउल्स काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, बट क्लियो की पोजीशन थोड़ी रिस्की जरूर है, वो आगे आ चुके हैं, उनके हाथ में एक DPS जरूर देखने को मिलती है। मैं देखना चाहूंगा कि क्लियो यहां पे वो पहला फ्राग निकालेंगे, स्क्रीम इनके जस्ट सामने, स्क्रीम को स्पॉट किया, शॉट देने की कोशिश करी, बट क्लियो अभी के लिए वो कनेक्शन इनका मिला नहीं। दोबारा से कोशिश जरूर कर रहे हैं क्लियो, पीछे से कवर फायर वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन आता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये कि स्क्रीम अभी भी आप देखिए कि वो नॉक निकालने में सक्षम रहे नहीं है, बट नाइट आउल्स ने पूरी जो पोजीशनिंग है ना वो अच्छी बना ली, और आप देखिए अचानक से हाइट का एडवांटेज अब नाइट आउल्स के ऊपर आ चुका है, एंड WSF वो पूरी तरीके से बैकफुट पर हमें देखने को मिल जाएंगे। WSB की अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत ही कन्फाइंड एरिया में देखने को मिलते हुए एक अच्छा ग्रेनेड और WSB पूरी तरीके से वो समाप्त भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नेट तो है ही नहीं किसी के पास, वो नेट करेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है कि अब अटैक करना पड़ेगा। स्क्रीन बिल्कुल तैयार है, AKM उनके पास है, DBS सामने, ड्रीम की DBS चली, WSB पूरी तरह से बैकफुट पे, सिर्फ द लास्ट मैन स्टैंडिंग नॉट फॉर लॉन्ग, एंड नाइट आउल्स लेके जाएंगे एक विनर चिकन डिनर। काफी ज्यादा बेहतरीन चिकन डिनर हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, और क्लियो एक बार फिर से देखना ये कि करण जो पीछे निकले हैं वो रणनीति उनकी सही हो सकती है, बट वहां पे पहले से एक ग्रेनेड आया, बट ऑप्टिमस उनको डाउन किया जाएगा सारंग के द्वारा। टीम एक्स पार्क चार्ज करने को तैयार है, एक ओपनिंग उन्होंने निकाली तो सही है, और एक और ग्रेनेड जाता हुआ शायद भूरी, उनको भी डाउन किया जाएगा, बट पुकार कहीं और से उनको शॉट पड़ता हुआ। करण जो वापस वहां से निकल के गए थे उनके लिए वो फायदेमंद साबित हुआ, पुकार वो डाउन रहेंगे, बट सारंग उन्होंने गुरी को भी डाउन किया, बट सारंग वो खुद भी यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे। हालांकि करण जोध वो भी नॉक रहेंगे, आदिल जॉर्ड उनको भी डाउन किया गया, ऑप्टिमस वहां पे एक आखिरी खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन तो किया, बट एक और टीम का आग बना हुआ, टीम एक्स पार्क उनका एलिमिनेशन, बट TMZ वो अभी भी इस मुकाबले में चलिए उनका भी एलिमिनेशन, बट टीम एक्स पार्क एंकी उन्हें अंकों की दरकार थी तो सही, बट ग्राइंड वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स 3 फिनिशेज उन्होंने किए अपने नाम।